भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने सोनीपत के गांधी चौक पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और नमन किया। उन्होंने इस दौरान सड़क सफाई अभियान में झाड़ू लगाकर भी हिस्सा लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज और स्वच्छता को पूरा करने का काम किया है। साल 2014 में मोदी ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से भ्रष्टाचार की सफाई करने का एक संकेत दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिनका कोई काम नहीं होता वह आरोप ही लगाते हैं। बीजेपी पार्टी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव सोनीपत में अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का सपना ग्राम स्वराज और स्वच्छता ने पूरा करने का काम किया है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी का सबसे बड़ा विजन स्वच्छ भारत था। मोदी के झाड़ू लेकर खड़े होने को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने साफ सफाई के साथ साथ देश में भ्रष्टाचार की सफाई करने का एक संकेत था। वहीं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हर गांव में पहुंच कर करके दिखाया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मोदी के स्वच्छता मिशन के कारण ही बच्चे किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने के दौरान भी खिड़की से बाहर कोई भी रेफर बाहर नहीं फेंक सकते हैं और यह संस्कार आया है। वहीं उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती को लेकर कहा कि देश की स्वाधीनता दिलाने में उनका बड़ा योगदान है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब घर से आए थे तो वैसे ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब परिवार से संबंध रखते थे। एक ही ड्रेस को पहनकर स्कूल कॉलेज उनको जाना पड़ता था और ऐसा भारत में ही संभव है जहां ऐसे गरीब परिवार से जुड़े हुए लोग भी प्रधानमंत्री बनते हैं। कहेंगे देखिए कार्यक्रम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के जो सपना है ग्राम स्वराज और स्वच्छता, असलियत में किसी ने काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद उनका सबसे बड़ा अभियान था स्वच्छ भारत, और अपोजिशन के लोग उस समय बोले थे झाड़ू लेके मोदी जी खड़ा हो जाएगा तो इससे क्या स्वच्छता होगा, तो सिर्फ झाड़ू देके हमारे साफ सफाई रोड करना बा कोई गांव का करना ड्रेन करना वो नहीं है। मोदी जी का वो सिंबलिक था, इसमें ये थे जो साफ सफाई तो करनी ही है साथ साथ करप्शन को भी साफ सफाई करनी है, और आपने डिजिटाइजेशन के माध्यम से वो करके दिखाया हर स्कीम्स को लोगों के पास गांव तक पहुंच जाए 100% डिजिटाइजेशन करके मोदी जी ने वो प्रमाणित किया है। स्वच्छता सिस्टम में होना चाहिए, स्वच्छता व्यवस्था में होना चाहिए, स्वच्छता अपने स्वभाव में होना चाहिए। आज मुझे गर्व होता है, हम भी छोटे रहते हो बस पे जाते कार पे जाते कोई खाना खा रहा हो कुछ कर रहा हो पैकेट बाहर फेंक देता था सोचा वो ठीक किया, आज मैं वो दिखता नहीं। कोई भी छोटे बच्चे भी आप फॉलो करो जो कार से जा रहा है रिक्शा से जा रहा है माँ के साथ जा रहा है पिताजी के साथ जा रहा है, छोटे बच्चा भी कोई चॉकलेट खाया तो उसका जो कवर है वो रास्ते में नहीं फेंकता। तो ये जो संस्कार आई है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से आया हुआ है, पूरे देश में ये बहुत बड़ा जन जागरण हुआ है। और महात्मा गांधी जी को तो हमारे देश का सब सर्वबृहत नेतृत्व है और देश को स्वाधीनता दिलवाने में उनका भूमिका सबसे बड़ी भूमिका है, और जिस तरीके से उन्होंने देश को जो हमारे जो आज़ादी के लड़ाई में भाग लिया था उनके साथ और भी साथी है, और साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। हमारे देश के ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री बनते हैं जैसे मोदी जी जी है गरीब घर से आए थे, लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे ही है व्यक्ति साधारण घर से किसान के घर से आए हैं, एक ही ड्रेस को पहन के उनको स्कूल में कॉलेज में जाना पड़ता था, ऐसा व्यक्ति भी देश में प्रधानमंत्री बनता है। ये भारत ही है, यह भारत में संभव है। सर आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारियाँ, क्योंकि अब तो चुनाव है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव की तैयारी नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी सभी समय संगठन का काम करते रहते हैं, बाकी सब दल इलेक्शन आने के बाद काम करना शुरू करते हैं। इसलिए आप लोगों को कभी कभी थोड़ा गलतफहमी हो जाता है, वो उनका विचरण थोड़ा देखते हैं तो नहीं चलता है ना तो सडनली चलने लगता है, तो लोगों का बहुत काम कर रहा है बहुत घूम रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का रोज़ काम करता है, माँ डेली बच्चों को खाना खिलाता है उसको दिखता नहीं, किंतु मौसी जब कभी कभी खिला देता है तो वो दिखता है। तो वैसे ही बाकी सब पार्टी की हालत यह है, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काम करता है। अभी देखो मध्य प्रदेश में हमने बहुत पहले ही टिकट डिक्लेयर करके रख दिया,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के लिए ही बैठे रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, काम के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, लगातार आरोप लगा रही है। देखो, जिनका कोई काम नहीं होता वो आरोप लगाता है, जिनका काम होता है वो काम करते रहते हैं, इसलिए दोनों में अंतर है। आप उनको पूछ लीजिए आपका काम क्या है। सर, कांग्रेस की बीजेपी छोड़ सकती है वीरेंद्र सिंह? देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ। समय के साथ सब होता है, समय बलवान होता है, और मोदी ही सत्ता है, मोदी ही आज के राजनीति में सही व्यक्ति है, इस बात को मैं मानता हूं। आज जो मोदी जी के साथ चलना नहीं जानता वो किसी के साथ चल नहीं। सर, मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।